हेलो स्टूडेंट्स, आईटी इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सीबीटी एग्जाम का जो है डेट आ गया है, तो कब से यह एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड निकलेगा, कहाँ सेंटर होगा, इन सब चीज़ के बारे में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी हो, मेरा नोटिफिकेशन हो आईटीआई संबंधित, तो सभी आपको जो है तुरंत मिल सके। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए, एक कल के डेट में जो है एक डीजीटी के द्वारा जो है लेटर जारी किया गया है। लेटर में देखिए बताया गया है, यह लेटर एक्चुअली कल ही जारी हुआ। देखिए, यह 8 तारीख के डेट में जो है यह लेटर जारी हुआ है, और रात में मैं यह नहीं बना पाया वीडियो, तो अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसमें जो है यह लेटर जो है किसके लिए है, या जो भी स्टूडेंट जो है जिनका सीबीटी एग्जाम जो है अभी तक के नहीं हो पाया था, छूट गया था किन्हीं कारणवश, तो वैसे जो है लेफ्ट ओवर ट्रेनीज के लिए जो है यह सीबीटी एग्जाम अरेंज किया गया है। देखिए, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, यह जो है एक स्पेशल एग्जाम है। देखिए, शेड्यूल ऑफ स्पेशल सीबीटी एग्जामिनेशन फॉर लेफ्ट ओवर रेगुलर ट्रेनीज अंडर एनुअल पैटर्न। देखिए, यह जो है एनुअल पैटर्न में जो भी, अभी तो एनुअल पैटर्न का ही हो रहा है, तो इसमें जो भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका कि है किसी कारणवश एग्जाम छूट गया था, नहीं हो पाया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है यह एग्जाम स्पेशल अरेंज किया गया है। और देखिए, यह किन सेशन के लिए है, तो यह देखिए 2018 सेशन दिया हुआ है इसमें, और 2019-21 सेशन दिया हुआ है, 18-20 और 2019-21। 19-21 का देखिए सेकेंड ईयर, तो 2018-20 के ट्रेनीज है, और 2019-21 के जो सेकेंड ईयर के ट्रेनीज है तो उनके लिए जो है यह एग्जाम है। और 2019-20 ऐसे कुछ ट्रेनीज जो 2019-20 के होंगे, 1 साल वाले, उनके लिए भी है। और 2020-21 जो अभी करेंट बैच एग्जाम हुआ था पीछे, उनका भी जो है स्टूडेंट जो छूट गया है उनके लिए भी है। और जो इसमें चाहे वो 1 ईयर के कोर्स के हो या 6 मंथ के कोर्स के हो, तो ऐसे जो है सारे ट्रेनिंग के लिए जो है यह एग्ज़ाम अरेंज किया जा रहा है। तो यह एग्ज़ाम जो है देखिए 3 फेज में अरेंज किया जा रहा है। यह टोटल इस एग्ज़ाम का जो है 3 फेज होगा, फेज 1 और फेज 2 और फेज 3, यह 3 फेज में एग्ज़ाम अरेंज हो रहा है। इसमें जो है देखिए आपका 12/4/2024 से लेकर के और 14/4/2024, यह जो है 12 से लेकर के 14/4 तक के जो है सेंटर मैपिंग का काम होगा। आप लोगों का जो सीबीटी एग्जाम के लिए सेंटर होता है वो कहाँ सेंटर होगा, यह जो है स्टेट के द्वारा जो है आपस में जो है डिसाइड करके और सेंटर निर्धारित किया जाता है, तो यह काम जो है 12 से 14 तक किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको इस बार देखिए कि दिया जा रहा है कि डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट 10 डेज इन एडवांस ऑफ एग्जाम डेट। एग्जाम डेट से जो है 10 दिन पहले जो है हॉल टिकट जारी किया जाएगा। ऐसे जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन पीछे जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है समय पर पता नहीं चल पाता था कि मेरा कब से एग्ज़ाम होगा, इसलिए जो है संभवतः जो है यह 10 दिन पहले जो है जारी करने का डिसाइड लिया गया है। अब देखिए, यह तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा, जनरली वैसे जो है 4-5 दिन पहले आता है। उसके बाद देखिए, यह जो है आपको यह टोटल एग्ज़ाम जो है 3 फेज में जो एग्ज़ाम अरेंज किया जा रहा है, यह तीनों फेज का एग्ज़ाम जो है आपको 25 अप्रैल से लेकर के और 17 मई तक, 25 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक जो है यह एग्ज़ाम होगा। और यह एग्ज़ाम 3 फेज में होगा। पहला फेज जो है आपका 25/4/2022 से लेकर के 30/4/2022 है, और दूसरा फेज जो है 6/5/2022 से लेकर के 10/5/2022 है, और तीसरा फेज जो है 13/5/2022 से लेकर के 17/5/2022 तक के हैं। तो कुल 3 फेज में जो है आपका ये सीबीटी एग्ज़ाम जो है अरेंज किया जा रहा है। और यह एग्ज़ाम जो है आपको पर डे जो है 3 सेशन होगा, 3 बैच करके जो है पर डे एग्जाम लिया जाएगा। यह जो है आपका एग्जाम होने के बाद जो है 17 मई तक के तो आपका एग्जाम ही होगा। 17 मई के एग्जाम होने के बाद आपको यह रिजल्ट डिक्लेरेशन का भी डेट जो है इसमें दे दिया गया है कि सेकेंड वीक ऑफ जून 2022, जून 2022 का जो है सेकेंड वीक में जो है आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो अभी पूछ रहे थे, सर रिजल्ट कब आएगा, हम लोगों का एग्जाम हो चुका है, ड्राइंग का प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है। तो ऐसे जो है जो भी ट्रेनीज है जिनका लेफ्ट ओवर ट्रेनीज में है, तो वैसे सारे ट्रेनीज का जो है आपका एग्जाम जो का रिजल्ट जो है वो सेकेंड वीक जून में दिया जाएगा। और देखिए, इस बार एक चीज़ और जो है इसमें दिया गया है, क्योंकि यह एग्ज़ाम जो है अरेंज करता है हमारा स्टेट डायरेक्टर जो है, और यह एग्ज़ाम जो है लेता है कौन, तो अभी NSCIT, यह एग्ज़ाम जो है हमारा NSCIT के द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि पहले जो है NIMI के द्वारा लिया जाता था, लेकिन जो है अब
इस एजेंसी को जो है चेंज कर दिया गया है। तो एनएससीआईटी जो है ये एग्ज़ाम अरेंज करती है। तो एनएससीआईटी के द्वारा जो है कोऑर्डिनेशन करा के और एग्ज़ाम सेंटर जो है निर्धारित किया जाएगा। और एग्ज़ाम सेंटर जो है देखिए स्टूडेंट्स लोगों को कठिनाई हो रही थी, इसलिए जो है इस बार जो है दिया गया है कि विद इन 25 किलोमीटर ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूट होगा वो इंस्टीट्यूट से जो है 25 किलोमीटर के दायरे में जो है एग्ज़ाम सेंटर निर्धारित किया जाएगा। तो आपका जो आईटीआई के नज़दीकी सेंटर होगा ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पर में जो है आपका यह एग्ज़ाम होगा। और जो देखिए वैसे ट्रेनी जो एक्स स्टूडेंट है जिन जो पहले एक सीबीटी एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो फेल कर गए हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए यह एग्ज़ाम नहीं है, यह श्योर हो जाए आप लोग, क्योंकि देखिए इसमें एक अलग से लाइन जोड़ दिया गया है, एग्ज़ाम फॉर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट विल बी टेकन अप सेपरेटली एंड सीबीटी एग्ज़ाम फी पेमेंट विंडो विल बी ओपन शॉर्टली। देखिए जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दिए थे फेल कर गए थे, तो उनका एग्ज़ाम जो है अलग से अरेंज किया जाएगा। और चूंकि उनको एग्ज़ाम फी पेड करना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम फी पेड करने के लिए अभी जो है लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है, लेकिन दिया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी जो है इसका लिंक ओपन कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है जो भी ऐसे एक्स स्टूडेंट है वो भी जो है रेडी रहे एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसे ही लिंक ओपन होता है आप अपना एग्ज़ाम फी जो है पेड कर दें, और पेड करके और आपका भी एग्ज़ाम जो है ये बैच खत्म होने के बाद, जैसे ही ये बैच खत्म होगा तो आपको जो है उसका भी एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।